पोर्न मूवीज देखने की लत को हमेशा के लिए कैसे छोड़ें, यानी अगर आप भी पोर्न मूवीज देखते हो, आपको भी पोर्न मूवीज देखने की लत लग चुकी है, तो आप उसको हमेशा के लिए कैसे छोड़ सकते हो और पोर्न मूवीज देखने के क्या क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे सॉल्व कर सकते हैं। पोर्न मूवीज का मतलब होता है जो गंदी मूवियाँ होती है, सेक्सुअल मूवी होती है, वो देखना। तो अगर आप भी वो देखते हो, आप चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, लगभग 100 में से 95% लोग होते हैं, यानी 95 लोग ऐसे होते हैं जो कि पोर्न मूवीज जरूर देखते हैं, किसी न किसी एज में वो देखते हैं। लेकिन उनमें से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको पोर्न मूवीज देखने की लत लग जाती है, यानी उनको एडिक्शन हो जाता है कि बस हमको देखना ही देखना है। किसी भी हालत में, कैसे भी करके, किसी के भी फोन में, कहीं पर भी, कैसे भी हालत हो, बस देखना है। तो अगर आपको भी लत लग चुकी है तो सबसे पहले मैं आपको इसके नुकसान बताने वाला हूँ कि आपको कितने नुकसान होते हैं। अगर आप भी पोर्न मूवीज देखते हो, चाहे नाइट में देखते हो चाहे दिन में देखते हो, तो आपको नाइट फेल होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आप बॉयज़ हो गर्ल्स हो कोई भी हो, नाइट फेल आपका 100% होना स्टार्ट हो जाता है। जो पोर्न मूवीज देखकर आप जो एक्टिवेट होते हो, उसके रीज़न से जो आपके शरीर में जो भी स्पर्म वगैरह रहता है, सेमन जो रहता है, वो कहीं ना कहीं अध बीच में आके अटक जाता है, जो कि फिर नाइट में आप वही सपने में देखते हो, वही आप फील करते हो रियल में, तो वो आपका नाइट फेल होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप मैस्टरबेशन करना स्टार्ट कर देते हो, जो आप एक्टिवेट होते हो, जो आपकी फीलिंग्स रहती है वो कहीं ना कहीं अंदर रहती है, तो आप उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हो, जिससे कि लोग मैस्टरबेशन करते हैं। अगर आप ये दोनों काम आपके साथ हो रहा है तो आपकी हेल्थ बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी। आप चाहे कितना ही प्रोटीन्स, कितना ही वर्कआउट कर लो, कितना विटामिन, कितने भी आप पैसे खर्च कर दो अपनी बॉडी पर, लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनना। तो ये पोर्न मूवीज देखने के नुकसान होते हैं, जिसको साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं। आपकी पूरी लाइफ मतलब बहुत खराब से खराब बदतर हो जाती है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप टेंशन करने लग जाते हो, आप पता नहीं आपके माइंड में क्या क्या सोचते हो। लोग बहुत कम एज में आजकल पोर्न मूवीज देखने लगे हैं, मैंने देखा है, मुझसे बात होती है, मुझसे लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, सर हमारी एज 12 है 13 है, हम ये काम करते हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें। बहुत से लोगों की इसी रीजन से बियर्ड प्रॉब्लम होती है, दाढ़ी नहीं आती है। लगभग 50 से 60% लोग ऐसे होते हैं जिनकी बियर्ड की प्रॉब्लम सामने आती है, वो या तो वो मैस्टरबेशन करते होते हैं या फिर वो नाइट पर होते होते हैं। तो इन सभी को अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले आपको क्या रोकना पड़ेगी, पोर्न मूवीज को देखना आपको बंद करना पड़ेगा। इसकी लत को आप हमेशा के लिए अगर छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, आपकी हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आपकी पूरी बॉडी की जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल रहता है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आपकी पूरी प्रॉब्लम स्लोली स्लोली सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए ना तो मेडिसिन आती है, ना तो आप डॉक्टर पर इलाज करा सकते हो कि हम नाइट पर जो भी आप पोर्न मूवीज देखते हो, नाइट पर होते हो, मैस्टरबेशन करते हो, तो उसको कैसे बंद कर सकते हैं, इसके लिए कोई टेबलेट नहीं आती। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आपको एक गोल देखना है, आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, क्या बनना है, आपको उस पर फोकस करना है। बहुत से लोग अगर पोर्न मूवीज देखते हैं, देखो कि कोई भी चीज़ हो, जब आपको लत लग जाती है तो आप उसको इतनी जल्दी से छोड़ नहीं पाते हो, चाहे आप मैस्टरबेशन करते हो, चाहे आप कोई सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह बहुत कुछ गंदे काम करते हो, तो आपसे अगर कोई बोले कि आपको ये छोड़ना है तो वो नहीं छोड़ सकता, जब तक कि उसको खुद फील ना हो जाए कि यार मुझको, मुझे इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो पहले तो आप आपकी जो फीलिंग्स है उसको देखें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये काम करने से मुझे कितने नुकसान हो रहे हैं और आगे इसके कितने नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आपके, आपका जो गोल है वो भी आपके हाथों से चला जाएगा। आपका जो मकसद है, आपको क्या बनना है, आपकी पूरी बॉडी, या हर इंसान लाइफ में चाहता है कि मैं हेल्दी रहूँ, मेरी मसल्स ग्रोथ हो, मैं भी बॉडी बनाऊँ, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं उसके रीज़न से वो बिल्कुल ऐसे नहीं हो पाते। पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट्स कोई बात ही नहीं आ रही। जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट कराते हो तो वो आपकी अंदरूनी बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आपकी जो मांसपेशी है, आपके फिगर है, आपके जो भी कुछ बॉडी के अंदर जो रहता है उसका ट्रीटमेंट होता है। बाहर से आपका माइंड का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आपके माइंड का फोकस कहाँ जाता है, सिर्फ पोर्न मूवीज पर जाता है। कि अगर आपको किसी का फ़ोन मिल जाए या आपको अपना ही फोन मिल जाए तो आप ये सोचते हो बस एक ही चीज़ में देख लूँ, एक ही बार देख लूँ, एक मिनट देख लूँ, तो उस एक ही मिनट में आप बार बार उसमें घुसते चले जाओगे, तो आप यही करते रहोगे कि एक और देख लूँ यार, एक और देख लूँ, सिर्फ एक मिनट और देख लूँ, तो आपकी लाइफ वहीं पर ही गोल गोल राउंड राउंड घूमती रह जाएगी। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि आप कुछ बड़ा ना सोचें। आपको अगर लत लग चुकी है तो आप या तो उसको बुलाने के लिए स्टडीज़ कर सकते हैं,
या आप वर्कआउट जिमिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या आप स्विमिंग कर सकते हैं, या आप रनिंग कर सकते हैं, या आप म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इंसान जब तक अपने आप को मोटिवेट नहीं करता तब तक वो लाइफ में जो भी लत रहती गंदी वाली उसको नहीं छोड़ सकता। अगर आप खुद को मोटिवेट करेंगे भाई मेरे को मेरा गोल अचीव करना है, मैं इससे अच्छा बनना है, यानी कोई अपना आइडियल है मुझे इससे अच्छा बनना है, इसके जैसा बनना है, तो उसके जैसे मुझे मेहनत भी करना पड़ेगी, उसके जैसा मुझे हार्ड वर्क भी करना पड़ेगी, मुझे उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ आता है इसमें। तो लोग मेरे से बोलते हैं सर आप हमें ये बता दीजिए कि हम मैस्टर्बेशन करना कैसे बंद करें, हमारा नाइट पर होना कैसे बंद होगा, हम पोर्न मूवीज देखते हैं उसको देखना कैसे बंद करें। तो ये तो आपकी सिर्फ सोच है कि हम बंद कैसे करें, आपको बंद नहीं करना। अगर आप खुद मेरे से आप पूछते हो, किसी से भी पूछते हो, तो वो आपको एक ही एडवाइस देगा कि आप आपके माइंड पर कंट्रोल रखें, आपको क्या गोल अचीव करना है, आपकी लाइफ में क्या मकसद है, आप उस पर फोकस करें। गंदे काम करने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, आपकी वर्कआउट की आपकी बॉडी बन जाएगी, आपकी हेयर्स पूरी ग्रोथ हो जाएगी, आपका जो फ्यूचर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आप पूरा लाइफ सेट करके कुछ भी कर सकते हो तो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो यंग एज में जो मैच्योर टाइप के लोग आते हैं तो उस टाइम पर वो स्ट्रगल टाइप होता है, यानी उनको लाइफ में कुछ करने का टाइम होता है, स्टडीज़ का टाइम होता है, बॉडी बनाने का टाइम होता है, या कोई गोल होता है उसको अचीव करने का टाइम होता है, ऐसे बहुत से रीज़न होते हैं। तो ऐसे कोई ना तो पोर्न मूवीज देखना बंद करता है, ना नाइट पेल जो होता है वो बंद होता है, ना मैस्टर्बेशन करना बंद करता है। इसका एक ही सिंपल सलूशन है, अपने माइंड को कंट्रोल रखना। माइंड को और आपने कंट्रोल रख लिया, आपको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, मुझे इस काम के इतने नुकसान होते हैं। तब तक आप उस काम में बुराई नहीं देखोगे कि मुझे ये बुरा लगने लगा या पर मुझे ये बहुत बुरा लगता है, मुझे इससे नुकसान होता है, तब तक आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप ये सोचते हो बस एक मिनट, बस एक मिनट, बस एक मिनट, बस एक बार, बस एक बार, तो इसी करके आप बहुत आगे तक पहुंच जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इससे बर्बाद हो जाओगे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आप आपकी लाइफ के गोल को अचीव करना चाहते हो, आपकी लाइफ में आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये गंदे काम करने का टाइम आपको आगे बहुत मिलेगा। लेकिन अभी आप अगर कम एज में हो, 25 से नीचे हो, 25 से जो नीचे वाले लोग रहते हैं, आप 12 साल से ऊपर और 25 साल के बीच में जो भी कोई है, यानी वो कुछ बनने की टाइम है, कुछ स्टडीज़ करने का, कुछ गोल अचीव करने का वो टाइम होता है। लेकिन बहुत से लोग जो गलत कामों में अपनी लाइफ एक्सपायर यानी एक्सपॉइल करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपायर होते चले जाते हैं, बहुत ही कम एज में गुंडे देखने लग जाते हैं। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि सर हम 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, हम 25-25 साल के लगते हैं, उनके फेस पर पतले पतले गुड़रियाँ सी आ गई, बहुत ही पतले पतली स्किन हो गई है, बूढ़े टाइप के दिखने लगे। तो सबसे बड़ा सबसे सिंपल रीज़न यही होता है, आप एक काम करते हो, एक काम से आपके ऑटोमेटिक 5-6 काम होते चले जाते हैं। आप पोर्न मूवीज देखते हो, उसके देखने के बाद आपका नाइट फॉल होता है, नाइट फॉल होने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि हम मैस्टर्बेशन करें, मैस्टर्बेशन करने के बाद आपकी बॉडी ऑटोमेटिक वीक हो जाती है, आपके चीक्स बैठ जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी की बाट लग जाती है, और इसी रीजन से आपके जो पर्सनल पार्ट रहते हैं उनकी बाट लग जाती है और आपकी पूरी फ्यूचर की बाट लग जाती है। तो इस बात को आप ठीक से समझें, आपके माइंड को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो किसी से कुछ पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है उस पर मेहनत करें, उस पर फोकस करें, आपके गोल पर आप निशाना डाल दें। ये सब काम फालतू के, इसमें कुछ नहीं मिलता, वही दिन वही सुबह वही शाम सब कुछ वो होता है, कंटिन्यू वही करते रहो तो आप लाइफ में कुछ नहीं मिलता। तो मेरे अकॉर्डिंग आप आपके माइंड को कंट्रोल करें, आपके माइंड को कैसे चलाना है वो कंट्रोल करें, आप ये सारी आदत ऑटोमेटिक छोड़ दोगे। और अगर आप ज़्यादा लती हो गए तो आपके फ़ोन को 8 या 10 दिन हाथ में ही ना लें, किसी का फ़ोन यूज़ ही नहीं करें। अगर आप बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में जा रहे हो कि बस यार मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, मैं पोर्न मूवी से वगैरह वगैरह आपको कुछ ख्याल आते हैं, तो आप आपके फ़ोन को बंद करके रख दें। दोस्त वगैरह सब फ़ोन करते हैं तो आप आपकी लाइफ के बारे में सोचें, किसी का फ़ोन अटेंड ना करें, अपने फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाएं, तब आप ये छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं छोड़ सकते। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बहुत पकाया होगा इस वीडियो में, लेकिन जो समझदार है वो समझ भी गए मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप ये वीडियो फॉलो करोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।